अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे पास ये गाड़ी है लैगजीज LS460, 2007 मॉडल गाड़ी है। ये इसमें प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग चल रहा है इसका, इसका स्टीयरिंग हार्ड है और इसमें स्टीयरिंग की लाइट आ रही है। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देख सकते हो इसमें स्टीयरिंग की लाइट आ रही है। मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ और देखता हूँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। आप लोग देख सकते हो इसमें जो इसका स्टीयरिंग पूरा हार्ड चल रहा है, लाइट आ रही है स्टीयरिंग की। इंशाल्लाह मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ और देखता हूँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। आप लोग साथ सीध करता हूँ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा वीडियो रोक देता हूँ। सिस्टम सिलेक्शन ऑल EMPS। ये कोड है इसका C1552, PIG पावर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सो करते एक बार क्लियर। मैंने क्लियर कर दिया इसको, क्लियर हो गया है। कड़ी करते स्टार्ट, आप लोग देख सकते हो लाइट इसमें अभी भी है। फिर दोबारा इसको देखते क्या कोड है, C1552, PIG पावर सप्लाई वोल्टेज, इसकी DTC है। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम कहाँ पे है और आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक कोड डालता हूँ वाल डाटा में और चेक करता हूँ ये क्या क्या बता रहा है। ये मैंने अपना वाल डाटा ओपन किया है, यहाँ बता रहा है वायर हार्नेस पावर स्टीयरिंग कन्वर्टर असेंबली पावर स्टीयरिंग ECU। आगे चलते हैं, आगे बता रहा है ये बैटरी है, इसका एक ही फ्यूज़ है और ये इसका वो है कन्वर्टर असेंबली और ये एक फ्यूज़ ही है और ये पावर स्टीयरिंग ECU है। ठीक है, इसका डेमोग्राम है और आगे फिर ये बता रहा है इसकी ये पिन है, इसकी ये पिन है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, पहले मैं इसके फ्यूज़ चेक करता हूँ, फ्यूज़ के बाद देखता हूँ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास, इसमें एक फ्यूज़ है, ये आप देख दे सकते हो। ये रहा, एक मिनट अभी तुम्हें दिखाता हूँ अच्छे से। मैं ये फ्यूज है 30 नंबर का, आप लोग देख रहे होंगे EMPS ECU, इसके एक ही फ्यूज़ है। ठीक है, और एक फ्यूज इसमें ये रहा EMPS, ये वाला फ्यूज है इसका, यहाँ पे इसका ये फ्यूज भी सही है। इसको निकाल के देखते हैं, इसका ये फ्यूज भी सही है। इसे कंप्यूटर लगा हुआ है, अब इंशाल्लाह देखते हैं इसकी वायरिंग में कहाँ प्रॉब्लम है, फिर आप लोग उसका शेयर करते हैं इंशाल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी का फॉल्ट क्लियर कर दिया है। अब मैं जाता हूँ गाड़ी के अंदर, गाड़ी को चेक करता हूँ, देखता हूँ कि फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्लियर फॉल्ट कर दिया है बाहर से, इसमें बाहर प्रॉब्लम थी यहाँ पर, वो मैंने क्लियर कर दी है। अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि कंप्यूटर लगा के क्या DTC आ रही है। इंशाल्लाह
मैंने यहाँ से तो ठीक कर दिया, अंदर जाकर देखता हूँ। मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, इसको एक बार स्कैन करता हूँ दोबारा। देखता हूँ वो क्या बता रहा है। ये मेरा कंप्यूटर है ओल, ये रहा EMPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ये रहा। आप लोग देख सकते हो कोई भी इसमें कोड नहीं है, ठीक है। जो इसमें फॉल्ट था वो हर एक आदमी को नहीं पता है, जो इस गाड़ी का फॉल्ट था। ये गाड़ी मेरे पास 4 वर्कशॉप में से आई है, ठीक है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ। बिस्मिल्लाह, आप लोग देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का कोड चला गया है। पहले यहाँ भी लिखा रहा था, अब यहाँ लिखा रहा ब्रेक मैन्युफैक्चरिंग। और ब्रेक की उसने हमें नहीं बोला, कस्टमर ने सिर्फ इसका बोला स्टीयरिंग का। आप लोग देख सकते हो स्टीयरिंग चल रहा है बढ़िया, ठीक है। एक बार फिर गाड़ी में बंद करता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का फॉल्ट क्लियर हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ठीक है। इस गाड़ी का फॉल्ट कहाँ था मैं आपको अब बताता हूँ, बाहर जाकर गाड़ी के कि इसका फॉल्ट कहाँ था। मैं गाड़ी बंद करता हूँ, मैं गाड़ी के बाहर जाता हूँ। मैं गाड़ी के बाहर आ गया हूँ। मैंने आपको बताया था एक फ्यूज़ यहाँ पे है, फ्यूज़ सही था इसका, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ये इसकी बैटरी है, ठीक है। इसको मैं निकाल लूँ फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बैटरी को निकाल के मैंने इसकी बैटरी निकाल दी है, ये कवर लगाओ नीचे, इसको निकालता हूँ। ये कंप्यूटर है एक, इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग कंट्रोलर असेंबली, कनेक्टर कंट्रोलर असेंबली इसका नाम है। ये वायर है PI सिग्नल की, ये फ्यूज बॉक्स में आई हुई है यहाँ। इस फ्यूज बॉक्स से इसमें करंट जाता है और फिर ये करंट को कन्वर्टर करके इस फ्यूज से, ये सॉकेट लगा हुआ है इसमें, यहाँ सप्लाई देता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब कंप्यूटर है पुराना, ठीक है। इसका ये कंप्यूटर ख़राब था, मैंने कंप्यूटर चेंज किया है, वो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो उसकी लोकेशन ये है, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह हमारा नोटिफिकेशन बटन बाय आइकन दबा दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें हमें।